बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब लोग? आज हम बना रहे हैं आलू अंडे की भुजिया। इसके लिए मैंने 2 अदद बड़े साइज़ के प्याज लिए हैं। इनको ऑयल में फ्राई कर रही हूँ। जब तक ये गोल्डन कलर के नहीं हो जाते हम इनको फ्राई करेंगे। ये गोल्डन कलर के हो गए हैं। अब हम इसमें डालेंगे चॉप्ड टमाटर, हरी मिर्च और लहसुन और इसकी बहुत अच्छे से भुनाई करेंगे। जब मसाले की भुनाई हो जाएगी तो इसमें डालेंगे स्पाइसेस। इसमें डालेंगे नमक 1 चम्मच, लाल मिर्च 1/2 चम्मच, पिंच ऑफ कुटी हुई मिर्च और सूखा धनिया 1/2 चम्मच, हल्दी 1 चम्मच और इसकी बहुत अच्छे से भुनाई करेंगे। इसको थोड़ा सा पानी का छींटा लगा के इसकी भुनाई करेंगे ताकि हमारे स्पाइसेस जले नहीं। भुनाई के बाद अब हम इसमें डालेंगे आलू कटे हुए, अच्छी तरह से धो के डालेंगे और इनको लगा देंगे दम 10 से 15 मिनट के लिए। बीच में 1/2 दफ़ा आप देख सकते हैं ताकि हमारे आलू जल ना जाए। अब इसको हम रखते हैं दम पे। पंद्रह मिनट बाद हमारे आलू बहुत अच्छे से गल गए हैं और भुनाई भी हो चुकी है। अब हम इसमें डालेंगे फिंटे हुए अंडे। अंडे डाल के हम इसको फिर ढांप देंगे थोड़ी देर के लिए। थोड़ी देर बाद इसको थोड़ा सा हिलाएंगे। हिलाने के बाद फिर ढांप देंगे। इससे हमारे अंडे बहुत अच्छे तैयार होंगे। मज़ेदार आलू अंडे तैयार हैं। आप इसको खा सकते हैं सादा रोटी के साथ, पराठे के साथ। अगर मेरी रेसिपी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू वेरी मच।